हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल अंजू जादन। तो फ्रेंड्स, अगर आप छोटे गांव से बिलोंग कर रहे हैं और अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं कुछ काम करने के लिए, तो आप बिल्कुल रुक जाइए, बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आज का जो बिजनेस है बिल्कुल हटके है, यूनिक है। और अगर आपके गाँव में जो सरपंच हैं उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और उनको दिखाइए कि वो अगर इस प्लांट को लगा लेते हैं तो गाँव के 25-50 लोगों को रोज़गार तो वो वहीं पर ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। तो ये जो पीछे आपको प्लांट दिख रहा है, मशीनें वर्क कर रही हैं, तो काफ़ी अच्छा प्लांट है। और हमारे साथ हैं गौरव सर। तो सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो सर, आज आप बताइए सर, ये जो आप प्लांट बता रहे हैं तो ये सरपंच के लिए किस तरह से है? मैम, आज आपको इंटरलॉकिंग प्लांट का पूरा डेमो दिखाएंगे। यस सर। टाइल बनती है, क्या कॉस्टिंग आती है, किन-किन मशीनरियों की जरूरत पड़ती है। और वैसे तो ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो फोकस किया है वो स्पेशली अभी, क्योंकि ग्राम पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। यस सर। तो जो ग्राम पंचायत में जो सरपंच है या प्रधान है, ये उनके लिए बहुत फायदेमंद प्रॉफिट का बिजनेस है। yes. और अगर वो अपने गांव में इस काम को डालते हैं तो अपने गांव के लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। इसके अलावा टाइल्स तो उनको इंटरलॉकिंग टाइल्स तो परचेज करनी है डेवलपमेंट के लिए। तो अगर वो खुद बनाते हैं तो एक तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी। हाँ हाँ। और सेकंड नंबर, ईंट सस्ती पड़ेगी, जो डीलर का मार्जिन है या मैन्युफैक्चरर का मार्जिन है वो बीच से हट जाएगा, खुद को उनके पास पहुंचेगा। और साथ ही में आपके गांव के लोगों के लिए जो रोजगार के अवसर जो आप देंगे, तो आपको उसके लिए वोट भी अगली बार ज्यादा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपके आसपास कोई सरपंच है तो उनको जरूर इस वीडियो को शेयर करें। जैसे वो अगर इस प्लांट को लगा लेते हैं तो अपने गांव के जो आसपास के लोग होते हैं उनको 25-50 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और आप भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्लांट है और काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो ये जो माल बनता है उसकी सरकार भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, पूरे माल को खरीदती भी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सेल होती है। तो सर बताइए इस प्लांट के बारे में, इस मशीन से क्या बनता है सर? मैम, इस मशीन से सभी डिजाइनों के पेपर ब्लॉक आपके बन जाएंगे। यस सर। ये आपको एक, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक वाइब्रेटर टेबल और एक मिक्सर मशीन तो लेना ही लेना है। अगर आप कलर टाइल बनाना चाहते हैं तो कलर मिक्सर की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी। तो सर कलर कहाँ से मिलेगा? व्यू कलर वगैरह, कलर केमिकल मशीनरी सारा कुछ आपको हमारे यहाँ वैष्णो कृपा और अवेलेबल है। यस सर। और मोल्ड वगैरह सर, इसमें जो मोल्ड लगेंगे, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। यस सर। मोल्ड्स भी आपको हमारे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इस प्लांट से संबंधित जो भी सामान चाहिए, रॉ मटेरियल छोड़ करके, सारा कुछ आपको वैष्णो कृपा पे अवेलेबल है। तो सर इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा? इसमें बेसिकली डस्ट, सीमेंट और गिट्टी जो है यूज होती है। यस सर। ये रॉ मटेरियल तो सबको इजीली मिल जाएगा, सभी जगह पे अवेलेबल होता है। यस सर। तो ये जो सर, इसमें बिजली का कैसे क्या खर्चा आता है? मैम, इसमें 3 फेज का कनेक्शन लेना पड़ेगा आपको, बिजली का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। 2 HP की मोटर वाइब्रेटर टेबल में होती है। यस सर। 3 से 5 HP की जो है मिक्सर मशीन। तो इसमें स्पेस कितना लगेगा सर, इसको अगर प्लांट को कोई लगाता है, जैसे सरपंच वगैरह लगाते हैं स्पेस? तो अगर आपके पास जितना ज्यादा है स्टॉक रखने के लिए उतना बढ़िया है, लेकिन वैसे आप 500 से 600 गज के अंदर आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर इसकी जो कॉस्टिंग है, ये जो पेपर ब्लॉक है, कितने के बन के तैयार हो जाते हैं और कितने में सेल हो सकते हैं? ये तो कैलकुलेशन एरिया के हिसाब से डिफर हो जाती है, वहाँ रॉ मटेरियल किस रेट में अवेलेबल है, लेकिन एक बेसिक आइडिया 8 से 9 रुपए में पेपर ब्लॉक अच्छा बन के तैयार हो जाता है और 12 से 15 रुपए के आसपास उसकी सेल हो जाती है। तो सर वैसे मंथली इसमें कितनी इनकम की जा सकती है इस बिजनेस में? मंथली इसमें 1 लाख रुपए से स्टार्ट होकर के 3-4 लाख रुपए तक। वो तो सेल के ऊपर है, जितना ज़्यादा बनाओगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो सर यहाँ पे ये क्या किस तरह से बनाए जा रहे हैं पेपर ब्लॉक? मैम, जैसा आप देख पा रही हैं, यस सर, मिक्सर मशीन है। यस सर। रॉ मटेरियल को मिक्स किया जाता है। हाँ हाँ। मिक्स होने के बाद ये मिक्सर जो तैयार हो रहा है, इसको मोल्ड में भर के वाइब्रेट किया जा रहा है। अच्छा, इसको मोल्ड में भर के इसको वाइब्रेट किया जाता है। ये जैसे पूरा मोल्ड वाइब्रेट हो जाता है, यस सर, अपना पेपर ब्लॉक का प्रोसेस कम्प्लीट हो जाता है। मोल्ड को सूखने के लिए इस तरह से चट्टे पे रख दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से सूखने के लिए रख दिया जाता है? ये चट्टे पे रख दिया है। तो कितना टाइम लगता है सर इसको सूखने में? मैम, ये नेक्स्ट डे खुल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट डे मोल्ड भरे हैं। हाँ हाँ। आप कल उसको खोल सकते हैं। और इस तरह से सर ये क्यों लगाया जा रहा है? मैम, ये ब्रिक पैलेट है, प्लाई है, टाइल में गड्ढा ना आए। यस सर। इस वजह से इसको लगाया जा रहा है। तो ये सर, ये व्यूअर्स को कहाँ से मिलेगी? ये सारा ही सामान हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो सर इस मशीन से कितने टाइप के टाइल बनके तैयार हो जाते हैं? डिजाइन की अगर आप बात करें तो कई तरह के डिजाइन हैं, लेकिन जो मेन जो कॉमन चलने वाले डिजाइन हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यस सर।
देखिए जैसे ये आई शेप है, ये हमारे ग्राम पंचायत वगैरह में ये टाइल यूज होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये कर्व स्टोन है, रोड के साइड में जो डिवाइडर बनाए जाते हैं वो इसी कर्व स्टोन को यूज करके बनाए जाते हैं। देखिए जिगजैग का डिजाइन है, इसको जेबरा भी बोलते हैं। पेट्रोल पंप वगैरह पे आपने अच्छा, पेट्रोल पंप वगैरह पे इसको लगाया जाता है। जी हाँ, और सर पार्क वगैरह में भी लगा सकते हैं इसको? जी हाँ मैम, इसको पार्क वगैरह में भी यूज करते। तो सर इसको सूखने में कितना टाइम लगता है, तराई कितने दिन करनी पड़ती है इसको पानी डाल के? इसको 3 से 4 दिन तराई करनी पड़ती है अगर आप केमिकल यूज कर रहे हैं तो। अच्छा अच्छा, केमिकल भी डाला जाता है? जी हाँ। और सर जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ये कलर वाले टाइल, तो ये भी क्या बनते हैं इसमें? जी हाँ, ये कलर टाइल है, ये भी इसी मशीन से बनेंगे। ये सर, तो ये कलर कहाँ से मिलेगा सर? ये कलर केमिकल वगैरह सारा कुछ आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल है। और सर इसमें जो मोल्ड यूज होंगे वो कहाँ से मिलेंगे? सारा कुछ हमारे यहाँ आपको अवेलेबल है। देखिए ये चेकर टाइल है, ये आपने देखा होगा रैंप वगैरह पे यूज होता है, ये गवर्नमेंट के कामों में कम यूज होता है और लोग अपने घरों के बाहर वगैरह ज्यादा लगाते हैं। ये भी इसी वाइब्रेटर टेबल से ही बना हुआ है। यानी इस वाइब्रेटर टेबल से काफी टाइप के टाइल बन जाते हैं, कई सारे डिजाइन आते हैं पार्क में लगने वाले, और ये चेकर टाइल वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो जाता है। जी तो सर जैसे हमारे व्यूअर्स अगर मशीन परचेज करते हैं तो आपकी तरफ से आफ्टर सेल सर्विस क्या होगी? मैम देखिए, हम लोग जिस किसी को भी मशीनरी सेल करते हैं, एक तो फुल ट्रेनिंग उनको फ्री दी जाती है। ओके सर। उसके बाद भी अगर उनके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो वो हमसे वीडियो कॉल के माध्यम से उनको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मशीनरी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो हमारा इंजीनियर साइट पर जा करके उसको रिपेयर करके आता है। 1 ईयर की फुल वारंटी रहती है, अगर कोई भी किसी तरह की कंप्लेंट होती है तो हम उसमें फुल सपोर्ट करते हैं। तो मशीन भी आपको यहीं से मिलेगी और इसमें मोल्ड वगैरह जो है वो भी आपको कहीं लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहीं से मिलेंगे, और कलर वगैरह इवन और किस तरह से इसको बनाया जाता है सभी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से क्लिक करके आप कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, मेक इन इंडिया, हैव अ नाइस डे।